हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए भैया, आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो दोस्तों पांच नंबर वाला पूछा जाता है वही लेकर के आया हूं। जानते हैं दोस्तों, यह जो है मतलब पूछ दिया जाता है पांच नंबर, यह मैं कैसे पूछेगा सो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। जो आईएससी 12th क्लास के लिए है, आप लोग समझा था कि नहीं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कि मैं अभी नहीं लिखिएगा, पूरा देखने के बाद लिखिएगा कि मैं आप लोगों को कैसा बताता हूं, अच्छा लगता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ये सभी बाद में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरा बात कि संश्लिष्ट रबर क्या है, किसे कहते हैं और संश्लिष्ट रबर को कितने भागों में बांटा गया है, उन्हें वर्णन करें और उदाहरण दे, समझ रहे हैं, यानी कि रिएक्शन लिखे। इस तरह से आप लोगों को पांच नंबर वाला पूछेगा, मैं ऐसा खोपड़िया में बैठाऊंगा कि कभी भी नहीं निकल पाएगा, समझ रहे हैं ना। आप लोग अगर चाह भी जाइएगा उसको निकालने के लिए फिर भी नहीं निकलेगा, मैं ऐसा समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए और गौर से। संश्लिष्ट रबर किसे कहते हैं, तो जानते हैं यह रबर प्राकृतिक रबर के समान नहीं होते हैं परंतु गुण समान रखते हैं। प्राकृतिक रबर के समान नहीं होते हैं लेकिन समान गुण रखते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ, प्राकृतिक रबर पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है, लेकिन संश्लिष्ट रबर जो है बनावटी रबर होता है, यह जो गुणों में समानता, समझ रहे हैं, गुणों में समानता लेकिन उसके जैसा नहीं होता है। इतना बात तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। देखिए, संश्लिष्ट रबर को पांच भागों में बांटा गया, यानी कि संश्लिष्ट रबर कितने प्रकार के होते हैं, तो एकदम पांच प्रकार का होता है, एकदम मारिएगा। हाँ, बोल रहे हैं, तो देखिए ब्यूना एस रबर, सबसे पहले नंबर बात सुनिए, इतना भर का याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब इसी में आंसर दिया हुआ है, जानते हैं डायरेक्ट क्या आंसर देना है इसको, ध्यान दीजिए। अरे हलवा चटनी के तरह समझाएंगे और परीक्षा में आप लोग को बनिया से लिख करके आएंगे, पांच नंबर उठाएंगे, समझ रहे ना। ध्यान दीजिए, ब्यूना एस रबर का मतलब, ब्यूना ब्यू मतलब हुआ ब्यूटाडाइन, जो कि ब्यूटाडाइन का यह सूत्र है, और एन ए मतलब हुआ सोडियम, जो कि सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है, और एस मतलब हुआ स्टाइरिन, जो ये है स्टाइरिन का सूत्र, तो इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन बहुलीकृत होकर ब्यूना एस रबर का निर्माण करता है, जिसे ब्यूना एस रबर कहते हैं, बतवाए वही हुआ, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसी में आंसर है, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन रबर, मतलब ब्यूटाडाइन को एस मतलब स्टाइरिन की उपस्थिति, स्टाइरिन दोनों को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, पूरा हट गया ताई हटा दिए हैं, आए तो हनुमान गियर वाला मतलब शॉर्टकट में लिख दिए, तो यही इसी में आंसर छुपा हुआ है, उतना बार का याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों से जानते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में या दो नंबर वाला में कैसे पूछ देता है कि ब्यूना एस रबर किसे कहते हैं, अगर ऐसे नहीं पूछा ना, जानते हैं कैसे पूछेगा, ब्यूना एस रबर की एकलकों का नाम लिखे, तो जानते हैं ब्यूना एस रबर के एकलक के नाम क्या है, देखिये ये ब्यूटाडाइन हो गया, ये स्टाइरिन हो गया, ये सर्वो तो इसी में ना है। अब बाय चांस अगर सूत्र पूछ दिया जाए तो सूत्र अब तो यह है ना लिखल, ब्यूट मतलब होता है चार गो कार्बन, एक दो तीन चार, चार है कि नहीं है ना, हाँ। अब देखिए स्टाइरिन का सूत्र तो है बेंजीन में CH2CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, एकदम दिमाग में रखिएगा, स्टाइरिन का यही सूत्र होता है। अब ब्यूटाडाइन में शुरू से डबल बॉन्ड और लास्ट से भी डबल बॉन्ड, याद रखिएगा चार कार्बन होता है इसमें, और जब इसको सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बहुलीकरण करा देते हैं तो बन जाता है आप लोग को ब्यूना एस रबर, जो कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। इसको मेन है सूत्र दोस्तों, पूछ देता है कि ब्यूना एस रबर का स्ट्रक्चर लिखिए, और जानते हैं ब्यूना एस रबर को क्या कहा जाता है, ब्यूना एस रबर को कहा जाता है SBR, कभी कभी पूछ दिया जाता है SBR क्या है, तो ब्यूना एस रबर है, समझ रहे ना। हाँ, अब देखिए दो नंबर में ब्यूना एन रबर, तो जानते हैं ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, तो ऊपर में मैं बताया हूं ना, एन मतलब सोडियम, एन मतलब हुआ, आप लोग नहीं जानते हैं तो एन मतलब, देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एक्राइलो नाइट्राइल होता है, जिसका सूत्र यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, कम हटने के कारण जो है आज इस तरह से मैं लिखा हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आप लोग को ब्यूटाडाइन, जो कि यही है, और ये आप लोग समझ रहे हैं ना क्या है सो, एक्रिलो नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यही नाइट्राइल ग्रुप का है, समझ रहे ना।
और नहीं तो अगर ये याद नहीं होता है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से ध्यान दीजिए, प्रोपीनो नाइट्राइल। तो प्रोपीनो नाइट्राइल भी एक दो तीन कार्बन है ना, तो इन ग्रुप है तो प्रोपीन ओ लगा देंगे क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप के, तो प्रोपीनो आयन मतलब हुआ नाइट्राइल, समझ रहे हैं ना। इसके बहुलीकरण से आप लोग को बनेगा ब्यूना एन रबर, एकदम खोपरिया में बैठ गया होगा आप लोगों को अब तक। तो चलिए फटाक सिवन नियोप्रिन तीन नंबर में हम लोग बढ़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तीन नंबर वाला में हम लोग बढ़ जाते हैं और ध्यान दीजिए नियोप्रिन रबर क्या है। तो जानते हैं क्लोरोप्रिन के बहुलीकरण द्वारा नियोप्रिन रबर बनता है, एकदम मथा में बैठ गया होगा। क्लोरोप्रिन का सूत्र क्या होता है तो ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि नियोप्रिन रबर का एकलक का नाम लिखे या एकलक का नाम क्या है, तो क्लोरोप्रिन जिसका सूत्र यही है। आप लोग को ये खोपरिया में बैठाना पड़ेगा यह सूत्र को और किसी तरह से याद कर लेना होगा। ध्यान दीजिए, नहीं याद होगा तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर CH है यहाँ पर CL है CCl है, यहाँ पर CH है यहाँ पर CCl है, यही याद रखना होगा। ये एकलक हो गया, जब इसका बहुलीकरण होता है तो दोस्तों नियोप्रिन बनता है। तो CH2 बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड। जानते हैं एकलक के पीछे एन रहेगा और बहुलक के बाद में एन रहता है। देखिए ध्यान से, इस तरफ एन रहेगा एकलक में और इस तरफ बहुलक में। तो कभी कभी देता है कि इनमें कौन सा एकलक है कौन सा बहुलक है, तो यह भी पकड़ने का शॉर्टकट ट्रिक है। राइट साइड एन रहे बहुलक, लेफ्ट साइड रहे तो एकलक, ये खोपरिया में बैठा लीजिए। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ जाते हैं, ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर क्या है तो जानते हैं, जब 97% आइसोब्यूटाइलिन यानी कि 97% आइसोब्यूटाइलिन, तो आइसोब्यूटाइलिन के यहाँ पर देखिए एक दो नंबर से यहाँ पर निकला हुआ है ना, तो आइसोब्यूटाइलिन एक दो तीन चार कार्बन, तो आइसोब्यूटाइलिन हो गया। आप क्या कह रहा है, तीन भाग आइसोप्रिन, तो तीन भाग आइसोप्रिन। आइसोप्रिन का सूत्र याद रखेगा क्योंकि प्राकृतिक रबर होता है क्या, आइसोप्रिन। तो आइसोप्रिन का सूत्र याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं या पूछ ही देगा इस बार, याद रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CCH3 जानते हैं, इसमें भी है देखिए यहाँ पर, इसी को हम लोग इस तरह खींच दे तो वही बात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH यहाँ पर सी, इसमें CH3, यही याद रखना है। ये हो गया आप लोगों को आइसोप्रिन, ये हो गया आप लोगों को आइसोब्यूटाइलिन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर इसको हम लोग दोनों के साथ -80 से -100 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl के साथ अनाद्र AlCl3 यानी कि इसको हम लोग लुईस अम्ल भी कह सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण होकर ब्यूटाइल रबर बनाता है। तो ब्यूटाइल रबर का सूत्र याद कर लीजिएगा, एक दो तीन पर इधर से दो पर, बात यही है और बात यही है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से टचिंग कर दिया है, एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह भी आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन, आप लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा, समझ रहे ना। हाँ ले लीजिए, चलिए ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पांच नंबर में, अगर मान लीजिए कि ब्यूटाइल रबर के एकलक का नाम पूछेगा तो आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रिन होता है, और पूछेगा इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है तो AlCl3 और मिथाइल क्लोराइड की उपस्थिति में। अब देखिए थायोकोल रबर क्या है तो ध्यान दीजिए, थायोकोल रबर बार पूछता है, जानते हैं हम लोग टैंक उंक जो पानी के टंकी उंकी रहता है ना छत पर, उसमें इसका ही उपयोग किया जाता है थायोकोल रबर के। तो देखिए जब डाई क्लोरो इथेन, तो देखिए यहाँ पर एक क्लोरो डाई क्लोरो, दो कार्बन है तो इथेन हो गया, तो डाई क्लोरो इथेन की उपस्थिति में सोडियम पॉलीसल्फाइड, तो देखिए ये सोडियम दो एस है इसलिए पॉली लग गया है, तो पॉलीसल्फाइड सोडियम पॉलीसल्फाइड से बहुलीकरण होकर या बहुलीकृत होकर थायोकोल रबर बनाता है। तो ये जो है आप लोगों को, यही जो है आप लोगों को थायोकोल रबर का उदाहरण है, मतलब सूत्र है। आप लोगों से पूछेगा कि थायोकोल रबर का एकलक का नाम लिखिए या निम्न कौन सा थायोकोल रबर का एकलक है, तो याद रखिएगा आप लोग को डाइक्लोरोइथेन है, समझ रहे हैं,
और सोडियम पॉली सल्फाइड है, सोडियम पॉली सल्फाइड है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अंत भला तो सब भला, ये बात तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बात नहीं जानते हैं कि आप लोग इसको अगर एक बार देखे हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आप लोग अपना मन से कॉपी पर समझ रहे ना लिख करके बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो उसको नोट कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस बार जो है 5 नंबर वाला में ये पूछेगा। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन उठता है और किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि पिछले बार मेरा वीडियो से 80+% वीडियो में से टकराया है। बात समझ रहे हैं? इस बार जो है मैं 90+ ले जाऊंगा खींच करके सब्जेक्टिव में, 90+ यानी कि पूरा के पूरा समझिए ना पूछ देगा, जो मैं डालता हूँ ना एकदम पूछेगा तो पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से एक ही आग्रह है, जो भी आईएससी का स्टूडेंट है उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, समझ रहे हैं ना? हाँ, जय हिंद जय भारत।